तो दोस्तों आज हम कवर कर रहे हैं नजीबाबाद हरिद्वार के बीच बन रहे हाईवे की प्रोग्रेस अपडेट, और इस वीडियो में पर्टिकुलरली कोटावली नदी जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी है वहां से लेकर ईस्टर्न गंगा कैनाल तक क्या कुछ अपडेट है इस हाईवे पे वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये जिस पॉइंट को आप अभी देख रहे हैं ये कोटावली नदी है जहां पर एक नया ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है और इसकी अपडेट मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। इसी के बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो आप एक ब्रिज देख रहे हो ये अभी ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि ये काफी समय से क्षतिग्रस्त हालत में था। तो इस वीडियो में आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि इसको दोबारा से रिपेयर करने का काम चालू हुआ है या नहीं। लेकिन मैं इस समय उत्तराखंड यूपी के बॉर्डर के बहुत करीब हूँ, यहाँ से मुश्किल से शायद 2-3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा उत्तराखंड यूपी का जो बॉर्डर आ जाता है। और ये आप देख रहे हो पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पर देख रहे हो कितनी चौड़ी कर दी गई है यहाँ पर सड़क, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक टोल प्लाजा बने बहुत जल्द। तो यहाँ पर तो आपको टोल प्लाजा कहीं देखने को मिल नहीं रहे होंगे, बट अब बहुत सी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर रोड को काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है और उनमें से एक पॉइंट ये भी है। आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी वाइड है रोड, यहाँ पर दोनों साइड में एक छोटी सी बिल्डिंग वहाँ पर बनाई गई है। हो सकता है कि यहाँ पर टोल प्लाजा बनाया जाए और कुछ तो वहाँ पर मेजरमेंट किया जा रहा है। है पक्की बात है यहीं पे बनेगा टोल प्लाजा भागुवाला में, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा आप जाओगे तो कोटावली नदी आ जाती है जहाँ से आप एंटर कर जाते हो उत्तराखंड में। तो अब मैं यहाँ से आपको हरिद्वार तक क्या अपडेट है एक एक करके वो हमको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले एंटर करते हैं उत्तराखंड बॉर्डर में और देखते हैं क्या कुछ प्रोग्रेस है इस जगह पर। तो कोटा वाली नदी के ऊपर जो नया वाला ब्रिज था इसको मैं अपने पुराने वीडियो में दिखा चुका हूँ। एक काम करते हैं आज वापस से पुरानी रोड पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या कुछ काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी जो पुराने वाला ब्रिज है काफ़ी साल हो गए क्षतिग्रस्त हालत में है, उसका शायद काम नहीं किया जा रहा है। हालांकि हम जाकर देखते हैं क्या कुछ उसके हालात हैं इस समय। नया वाला पुल ऊपर की साइड से जा रहा है, इसके वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। फिलहाल मैं जा रहा हूँ नीचे की साइड से नीचे वाले पुल की हालत दिखाने के लिए, क्योंकि इसको 4 लेन करने के लिए इस पुल को तो बनाना ही पड़ेगा इनको, और ये पुल पिछले कई सालों से इसी पोजीशन पर बना हुआ है। तो कुछ मशीन तो वहाँ नीचे लगी हुई है और हो सकता है कि वहाँ कुछ काम भी चल रहा हो, और रास्ता रोका तो नहीं गया है यहाँ पर, तो इसका मतलब जा भी सकते हैं इसके ऊपर से। अभी तक जो लाइट वेट व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल्स, छोटी गाड़ियाँ हो गई, बाइक्स वगैरह हो गई, वो इसी पुल से होकर निकलती थी। आप बीच में अगर देखो थोड़ा सा, अगर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा सड़क के बीच में जो पुल ये कुछ इस तरह के से, इस तरह से, और इस वजह से ही इस पुल को बहुत सालों से बंद किया गया था। अभी देखते हैं कुछ काम इस पर चल रहा है कि नहीं चल रहा। नदी में थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है वहाँ पर, लेकिन क्या इसको देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ये है वो मशीन, पता नहीं कुछ काम करने आए हैं कि इसे धोने आए हैं यहाँ पर, इसको देखकर तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो अभी कुछ काम भाई इसके ऊपर होता तो नहीं दिख रहा मेरे को, मुझे लगा वहाँ मशीन खड़ी है तो शायद कुछ काम वाम चल रहा होगा, लेकिन उसको देखकर ऐसा लगा कि शायद सिर्फ उसको मेंटेन करने के लिए या फिर कुछ धोने होने के लिए यहाँ पर नीचे ला रखे हैं, क्योंकि नदी में नीचे एक नदी भी है। यहाँ से सीमा समाप्त हो रही है उत्तर प्रदेश की और अपना उत्तराखंड शुरू हो जाता है यहाँ पर, अपना उत्तराखंड चिड़ियापुर थाना श्यामपुर हरिद्वार। कोटावली नदी से लेकर चंडी पुल तक कुछ बरसाती नदियां हैं जिसके ऊपर पुलों को बनाने का काम चल रहा है। उसके अलावा एक चंडी पुल है, चंडी पुल की प्रोग्रेस तो मैं आपको पहले दिखा ही चुका हूँ। यहाँ से इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कोटावली नदी से लेकर चंडी पुल के बीच में जो दो फॉरेस्ट कॉरिडोर बन रहे हैं, एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहे हैं, वो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करा करो। अगर नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। कोटावली नदी को क्रॉस करने के बाद सामने शुरू होगा पहला एलिवेटेड सेक्शन जो इस चिड़ियापुर रेंज को क्रॉस करेगा ऊपर ऊपर से, मतलब आप ट्रैफिक नीचे नहीं चलेगा, ट्रैफिक चलेगा पुल के ऊपर एलिवेटेड सेक्शन के ऊपर। तो चिड़ियापुर सेक्शन में आप ये सामने देख रहे हो जो काम चल रहा है, ये एक
एक एलिवेटेड सेक्शन को बनाया जा रहा है यहाँ पर, और देखते हैं कि कितना बन के तैयार हो चुका है। ये है इसका रैम्प एरिया जिसको अभी पूरी तरह बनाया नहीं गया है, तो यहाँ पर अभी काम होना बाकी है। ये एनिमल कॉरिडोर है जिसमें से एनिमल पास किया करेंगे। थोड़ा सा हम सामने चलेंगे तो हमें नज़र आएंगे कुछ पियर्स, और देखते हैं उनकी क्या कंडीशन है। तो दोस्तों यहाँ पर पियर्स रेडी हो गए हैं, पियर कैप्स रेडी हो गए हैं, इनके ऊपर होना है गर्डल लॉन्चिंग का काम और उसके आगे का काम। अब पियर इतने ही जगह पे बनेंगे या इसके अलावा भी बाकी हिस्से में बनने हैं उसका अंदाज़ा अभी इसको देखकर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर इतने ही हिस्से में बनने हैं तो वो बनके रेडी हो चुके हैं, गर्डल लॉन्चिंग का काम रह गया है इसके ऊपर। वीडियो बनाते समय मुझे सड़क पर भी ध्यान देना होता है, इसलिए कई बार लोगों के कमेंट आते हैं एंगल सही नहीं था, लेकिन जैसे कि मैं इधर का वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अकेला हूँ, मुझे वीडियो इधर का भी बनाना है, मुझे सामने सड़क पर भी देखना है, तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि एंगल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। बट आप फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा एरिया फिल किया जा रहा है, और जो उधर एक अंडरपास था उसके बाद यहाँ पर एक और अंडरपास है, इन दोनों अंडरपास को एरिया फिल करके ही मिलाया जाएगा। तो मोस्टली ये जो अंडरपास है ये वाइल्ड एनिमल्स के पासिंग के लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो पास कर सके एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ। और उसके बाद हम पुराने वाली रोड पर आ जाते हैं, ये पुराने वाली रोड हो गई, और लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हो इस पूरे एरिया को धीरे धीरे फिल किया जा रहा है, सामने भी रैंप को बनाने का काम चालू हो चुका है। यहीं से पास हो रही है ईस्टर्न गंगा कैनाल, और यहीं से जाता है कोटद्वार को नहर वाला रास्ता भी, और थोड़ा सा ही आगे है कोटद्वार का नहर वाला रास्ता। तो दोस्तों ये देखो आप यहाँ पर ईस्टर्न गंगा कैनाल के ऊपर जो एक ब्रिज बन रहा था उसकी क्या कंडीशन है वो देखो आप। तो दोस्तों वो ब्रिज बनके तैयार हो चुका है। तो ये है ईस्टर्न गंगा कैनाल के ऊपर बना ब्रिज, टोटल दो वीडियो में यहाँ के बना चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है, और तीसरे वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि ब्रिज बनके तैयार हो चुका है। तो ये हमारे सामने वो ब्रिज है, इसको बना लिया गया है, और इसके अलावा जो पीछे एलिवेटेड सेक्शन है वहाँ पर अभी काम चल रहा है।